हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। दिस इज मैं हूँ दीपन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल, देखेंगे कहाँ पे एंट्री कर सकते हैं और कहाँ एग्जिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्रूड ऑयल लास्ट फ्यू डेज एक ही रेंज में चल रहा है, तो मुझे लगा एक सपोर्टिंग जोन में आया हुआ है क्रूड ऑयल। तो यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन दे सकता है क्रूड ऑयल, एक सपोर्टिंग जोन में आया, यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन कर सकता है। तो इसलिए हम देखेंगे छोटा टाइम फ्रेम, जैसे 15 मिनट में। तो अगर 15 मिनट में देखे तो मैंने 4 आवर का एक चार्ट लिया, तो यहाँ से हायर पॉइंट को कनेक्ट किया, तो एक मुझे डायगोनल एक रेजिस्टेंस लाइन मिला। तो मुझे लगा है मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ से आज से थोड़ा करेक्शन देने के लिए रुका हुआ है, तो मुझे लगा यहाँ से थोड़ा बहुत करेक्शन दे सकता है। तो यहाँ करेक्शन देने के बाद फिर से मार्केट आने का चांसेस है, तो यहाँ पे अगर करेक्शन दिया तो हम कहाँ पे एंट्री कर पाएंगे, तो इसके लिए हम देखेंगे अभी 15 मिनट। तो 15 मिनट में आप देख सकते हैं ये मार्केट लोअर लो बना के आ रहा है नीचे, जैसे ये लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई अभी बन रहा है यहाँ पे। तो मुझे लगा अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे, आप छोटा टाइम फ्रेम में, सॉरी देख सकते हैं यहाँ पे छोटा टाइम फ्रेम में, तो छोटा देखिए तो यहाँ पे एक हायर हाई लोअर हाई बना रहा है। तो यहाँ से अगर ये जो मूविंग एवरेज है 50 मूविंग एवरेज, इसको ब्रेकआउट किया तो मुझे लगता है जो पहले जो डायगोनल है हमें एक रेजिस्टेंस लाइन बनाया, तो यहाँ तक मार्केट जा सकता है। तो आप एंट्री कहाँ पे कर सकते हैं, अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया जो 50 मूविंग एवरेज को ब्रेकआउट कर दिया, तो आप बाय में जा सकता है। तो आपको टारगेट रहेगा ये अराउंड 3800 का आसपास आपका टारगेट ले सकता है, और एसएल आप इसका नीचे लगा सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट कर दिया तो नीचे मुझे लगता है फिर से ये जो कल का जो प्रीवियस लोअर पॉइंट था वहां तक आ सकता है, राइट। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।